हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डीके टेक्निकल ज्ञान। तो आप सभी आंगनबाड़ी बहनों का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। सो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि पोषण ट्रैकर ऐप में अगर किसी भी लाभार्थी का नाम आपसे गलती इंट्री हो जाए तो उसमें आप लोग सुधार कैसे कर पाएंगे। नाम में कुछ मिस्टेक हो या फिर किसी लाभार्थी का आधार कार्ड या डेट ऑफ बर्थ गलत इंट्री हो गया हो या फिर लाभार्थी के माता पिता का नाम या मोबाइल नंबर अगर कुछ भी गलत एंट्री हो जाता है तो आप लोग उसमें सुधार किस प्रकार से कर पाएंगे। तो यही सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं कि आप लोग उसमें सुधार किस प्रकार से कर पाएंगे और सुधार करने का सही तरीका क्या है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा लें। तो चलिए चलते हैं हम अपने पोषण ट्रैकर ऐप में और वहीं पे आपको सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। हमने यहाँ पे अपना पोषण ट्रैकर ऐप ओपन कर लिया है। आपको तो मालूम ही है कि अपना मोबाइल नंबर और एमपिन डाल के लॉगिन होना है, तो आप लोग सिंपली लॉगिन हो जाइएगा। लॉगिन हो जाने के बाद यहाँ पर सभी मॉड्यूल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं और जो भी बच्चे हैं, किशोरी लड़कियां, लड़के, सभी मॉड्यूल यहां पे दिख जाएंगे। अब आपको इनमें क्या चेंज करना है, जैसे कि किसी गर्भवती महिला में नाम चेंज करना है तो आपको गर्भवती महिला का लिस्ट ओपन करना है। तो यहां पे गर्भवती महिला का लिस्ट ओपन हो चुका है। अब यहाँ से आपको किस में चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि किसी लाभार्थी का नाम गलत हो गया हो और मोबाइल नंबर गलत हो गया हो या डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया हो, तो उसको चेंज करने के लिए आपको यहां से थ्री डॉट का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा। तो यहां सिंपली हम लोग क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहां पे प्रोफाइल अपडेट का एक ऑप्शन आ जाता है, यहां से आप प्रोफाइल अपडेट वाले पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से अब आपको देखना है कि आप इसमें क्या चेंज करना चाहते हैं, क्या सुधार करना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि किसी लाभार्थी का नाम ही गलत हो गया हो तो आप उसको यहाँ से हटा के नए वाला जो नाम है आप यहाँ से लिख देंगे। फिर उसके बाद अगर दूसरे लाभार्थी में किसी का आधार नंबर गलत हो गया हो तो यहाँ से जो गलत है उसको हटा के सही वाला डाल देंगे। तो चलिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे ऐसा मोबाइल नंबर चेंज करके आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर इस लाभार्थी का मोबाइल नंबर चेंज कर लिया है और चेंज करने के बाद यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमको सबमिट कर देना है। तो जैसे ही हम लोग सबमिट करेंगे यहाँ पे उस लाभार्थी का रिकॉर्ड सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा। तो अपडेट हो जाने के बाद यहाँ पे ये एरो का निशान दिखा रहा है, इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने कुछ भी अपडेट किया है तो यहाँ पर डेट और टाइम यहाँ पर शो हो जाएगा। तो जिस दिन आप अपडेट करेंगे उस दिन का डेट और समय यहाँ पे दिखा देगा। तो इसी प्रकार से आप किसी भी मॉड्यूल में जाके, प्रोफाइल अपडेट में जाके किसी भी बच्चे का, लाभार्थी का कुछ भी चेंज करना हो तो आप लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये जानकारी अच्छा लगा है। अगर ये जानकारी अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें और पोषण ट्रैकर ऐप से रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।